मूवी के स्टार्ट में हम तो डायनासोर को देखते हैं जो कि एक कपल होता है। उनके सामने उनके तीन अंडे पड़े होते हैं जिनमें से जल्द ही बेबी डायनासोर निकलने वाले थे। जल्द ही वो अंडे टूटते हैं और उनमें से तीन क्यूट से डायनासोर बाहर आते हैं। उनमें से दो डायनासोर हाइट में भी ठीक थे और एक्टिव भी थे, लेकिन एक बेबी डायनासोर अंडे के अंदर ही बैठा हुआ था। वो हाइट में भी छोटा था और बाहर भी नहीं आ रहा। उसके पेरेंट्स उसका नाम आर्डो रखते हैं। वो कपल डायनासोर अपने बेबीज को बाहर लेकर आते हैं और उन्हें अपना घर दिखाते हैं। ये कपल थोड़ी बहुत फार्मिंग भी किया करते थे और इनमें बहुत ज्यादा प्यार था। अब तो इनके बेबीज भी हो चुके थे और ये एक प्यारी सी फैमिली बन चुकी थी। और टाइम गुजरता जा रहा था। बेबी डायनासोर अब कुछ बड़े हो चुके थे। आर्डो के अलावा बाकी डायनासोर काफी एक्टिव थे। वो अपने पेरेंट्स की हर काम में हेल्प भी करते थे, लेकिन जब आर्डो को कुछ कहा जाता था वो काम उससे हो ही ना पाता था। वो छोटी छोटी चीजों से डर जाया करता था। वो डायनासोर कपल अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। वो उनको समझाते हैं कि देखो, जैसे आगे सर्दी आ रही है, हमें बहुत ज्यादा खाना स्टोर करना होगा। उन्होंने एक स्टोर रूम बनाया होता है जिसके अंदर वो खाना स्टोर करते हैं। उसके बाद फादर डायनासोर अपना फुट प्रिंट वहाँ पे लगाते हैं। तब बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं हमें भी अपना फुट प्रिंट लगाना है, लेकिन फादर डायनासोर उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं नहीं, अभी तुम लोग छोटे हो, जब तक तुम कोई बड़ा काम नहीं कर लेते तब तक तुम सब फुट प्रिंट नहीं लगा सकते। जिस दिन तुम लोगों के लगे कि हाँ तुमने कुछ अच्छा काम किया है तो उस दिन तुम फुट प्रिंट लगा लेना और मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा कि कब मेरे बच्चे कुछ अच्छा करें। फादर डायनासोर कहते हैं आज के दिन मैं तुम लोगों को टेस्ट करता हूँ, अगर तुम लोगों ने मेरे कहे गए काम अच्छे से कर लिए तो बेशक आज ये फुट प्रिंट लगा लेना। अब काफी एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन आर्डो अभी भी डर रहा होता है। अब आर्डो का भाई बड़े बड़े दरख्तों का होता है और लकड़ियां इकट्ठी करता है। आर्डो की बहन सारा फार्म साफ करती है। अब उन दोनों को परमिशन मिल जाती है फुट प्रिंट लगाने की, लेकिन आर्डो की बात की जाए तो उसने तो कुछ भी नहीं किया, उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा था। उसके फादर उसे अलाउ नहीं करते। आर्डो बहुत हर्ट हो जाता है। तभी उसका भाई आकर उसे छेड़ने लगता है कि छोटे बच्चे तुम तो कुछ भी नहीं कर सके। तो आर्डो उसे कहता है कि ऐसा नहीं करो, मुझे बुरा लग रहा है, मैं तो अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पर मुझसे नहीं हो पाता। लेकिन उसका भाई उसे फिर भी तंग करता है। तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। उसकी मदर उसे डांटती है कि अपने भाई को तंग नहीं करो। तो आर्डो कहता है कि आप सबको ये लगता है ना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक दिन जरूर कुछ करूंगा और मैं भी अपना फुट प्रिंट लगाऊंगा। तो रात को आर्डो सो रहा होता है, उसके पास उसके फादर आते हैं। तो कहते हैं बेटा मेरे साथ चलो। फिर वो दोनों वॉक करने लग जाते हैं क्योंकि काफी क्यूट सीन है। आर्डो के फादर उसे समझाते हैं जब तक तुम डरते रहोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, मुझे तुम्हारे डर को खत्म करना है। कॉन्फिडेंट रहो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। फिर आर्डो सो जाता है। जब वो लोग सुबह उठते हैं आर्डो के फादर देखते हैं उनका स्टोर किया गया खाना कोई ले गया है, यानी कि वहाँ पर कोई ऐसा जानवर आया था जो या तो उनका खाना खा गया या फिर अपने साथ ले गया। वो सब काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन आर्डो के फादर उसे कहते हैं अब टाइम आ गया है, मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंस को टेस्ट करूँ और देखूँ की मेरी बातों का कुंबल कितना असर हुआ है, कितना सीखा तुमने मेरी बातों से। तुम्हारा काम ये है, तुमने उस जानवर को पकड़ कर लाना है जिसने हमारा खाना चुराया, तुम्हें उसे जाल में फंसा कर उसे मारना भी होगा, और अगर तुमने ये काम कर लिया तो तुम्हें भी अलाउ कर दूंगा फुट प्रिंट लगाने को। आर्डो ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो चुका था। आर्डो के फादर जाल बिछाने में उसकी मदद करते हैं। फिर आर्डो वेट करने लगता है कि वो जानवर कब आए। जहाँ पर लोगों ने ट्रैप लगाया था वहाँ पर लोग कॉन्स रख देते हैं। अचानक से एक जंगली बच्चा आता है और उन कॉन्स को उठाने लगता है, यानी कि असल में कोई चोर कोई जानवर नहीं बल्कि यही जंगली बच्चा था। आर्डो जल्दी से अपना ट्रैप उसके ऊपर फेंक देता है। वो बच्चा नेट में फंस चुका था। वो अपनी जुबान में कह रहा होता है कि मुझे फ्री करो। आर्डो उसे सुनकर और उसे देखकर काफी डर जाता है। वो कहता है कि ये कितनी अजीबोगरीब चीज है। वो घबरा कर ट्रैप उठा देता है। वो जंगली बच्चा वहाँ से भाग जाता है। आर्डो के फादर वहाँ पर आते हैं, डांटते हैं, तुमने ये क्या किया, पकड़ कर छोड़ दिया, तुम्हारे डर ने सारा काम खराब कर दिया, डर ना छोड़ो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा डर खत्म करता हूँ। आर्डो के फादर उसे यूं ही नहीं डाल रहे थे, वो भी चाहते थे कि उसका बेटा अच्छा बच्चा बने, ऐसा बने जिससे दुनिया डरे, तो वो दुनिया से डरे। आर्डो के फादर उसे अपने साथ एक फॉरेस्ट में ले जाते हैं। अतनी बारिश होने लग जाती है
मौसम खराब हो चुका और लोग डरने लगता है और अपने फादर से कहता है, डैडी वापस चलो, मौसम खराब हो रहा है। उसके फादर उसे कहते हैं, चुप कर जाओ बेटा, मेरे साथ चलो। आसमान पर काफी ज्यादा बिजली गरजने लगती है और लोगों का दिल जोर जोर से धड़कता है। वो काफी डरपोक था, बारिश होने की वजह से वो पत्थरों पर बार बार स्लिप हो रही थी। चलते चलते आलू का भी पाँव मुड़ जाता है, वो नीचे गिर जाता है। आलू अपने डैड से कहता है, मैं और नहीं चल सकता। उसके डैड उसे कहते हैं, मुझे भी बुरा लग रहा है, मैं अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम भी इस बात को समझो, अगर मैं तुम्हारा डर नहीं खत्म करूँ तो बड़े होकर तुम क्या करोगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब हम वापस आते हैं। लेकिन तभी बारिश बहुत तेज हो जाती है, तेज हवा चल रही होती है, पत्थरों के साथ साथ यानी नीचे ब्लड आने लग जाता है। हम चीज बह कर आने लगी थी। आलू के पास उसे कहते हैं, बेटा फौरन चुप हो जा। वो अपने मुंह और अपनी टीयर से अपने बेटे आलू को ऊपर की तरफ उठा देते हैं कि ये के फ्लड में बह न जाए, लेकिन खुद वो नीचे रह जाती है। फ्लड उन्हें बहाकर ले जाता है। आलू अब अपने फादर को खो चुका है। आलू वापस अपने घर आ जाता है और वो भी अपने बाकी बहन भाइयों के साथ काम करवाने लग जाता है। वो काफी उदास रहता था, लेकिन आलू काम कर रहा होता है, उसे वही जंगली बच्चा नजर आता है। उसके दिमाग में फौरन से वो बात आती है, उसके फादर ने कहा था कि उसे पकड़कर मार देगा, ये पीछे बांधने लगता है। आलू उसे पकड़ तो लेता है, तभी वो नदी में गिर जाता है, वहाँ से तय कर कहीं दूर आ जाता है। वो बेहोश हो चुका था, जब उसे होश आता है वो खुद को अकेला पाता है। वो काफी ज्यादा उदास, तभी उसकी नजर उसी जंगली बच्चे पर पड़ती है। वो उसके पीछे जाने लगता है और ऊपर की तरफ आ जाता है। तभी उसे वो नदी नजर आती है जो उसके घर की तरफ जा रही थी। उसे अपने फादर की भी बात याद आती है कि जब तुम्हें नदी नजर आ जाए तो तुम्हें घबराना नहीं, क्योंकि तुम अपने घर का रास्ता ढूंढ लोगे। वो उस नदी के साथ चलने लगता है, लेकिन बेचारे को भूख लगी हुई थी। तभी उसे एक फ्रूट नजर आता है जो के दरख्त पर काफी ऊपर लगा हुआ था। आलू एक पत्थर के ऊपर अपने पाँव रखकर वो फल खाने लगता है, लेकिन तभी वो पत्थर स्लिप हो जाता है और आलू उस पत्थर के नीचे आ जाता है। अब आलू का पाँव उन पत्थरों के अंदर स्टक हो चुका था। काफी कोशिश करता है खुद को आजाद करवाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं होता। सारा दिन गुजर जाता है, जीवन ऐसा करते करते रात भी हो जाती है, वो सो जाता है। लेकिन सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसका पाँव फ्री है। किसी ने वहाँ पर एक जगह खोद रखी थी और उसके आसपास छोटे छोटे फुटप्रिंट थे। वो समझ जाता है कि ये जंगली बच्चे के फुटप्रिंट है, उसी ने आलू को फ्री किया है। आलू हिम्मत करता है और उठता है, आसपास की लकड़ी इकट्ठा करता है और खुद के लिए एक होम बनाने लगता है, यानी शेल्टर जिसमें वो रहेगा। तभी वहाँ पर वो जंगली बच्चा दोबारा आ जाता है। वो आलू के लिए एक लेजर लाता है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी, लेकिन आलू उसे कहता है पीछे करो उसे। आलू उससे भी डर जाता है क्योंकि वो जंगली लेजर है। फिर वो बच्चा एक बहुत बड़ा सा कीड़ा लेकर आता है, वो अपने मुंह से ही उसका सर अलहदा कर देता है और उसे इशारा करता है कि खाओ उसे, लेकिन आलू उसे भी नहीं खाता क्योंकि वो वेजिटेरियन था। पौधे दरख्त और इस तरह की चीजें खाते, उस बच्चे को समझ आ जाती है कि इसे क्या खाना है। उसके लिए वही फ्रूट लेकर आता है जो कि आलू ने देखा था, क्योंकि आलू काफी भूखा था। वो उसे तेजी से खाने लगता है। वो बच्चा समझ जाता है कि इसको क्या चाहिए। वो उसे अपने साथ एक जगह पर ले आता है जहाँ पर इस फ्रूट का दरख्त था। वहाँ पर काफी ज्यादा बारिश थी, आलू के मुँह में पानी आ जाता है। वो फौरन से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो बच्चा उसे रोकने लगता है। पहले तो हमें समझ नहीं आती कि क्यों रोक रहा है, लेकिन जब आलू उस दरख्त के पास आता है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। वो आलू पर अटैक करने ही वाला होता है तो वो जंगली बच्चा उस स्नेक पर हमला कर देता है। उन दोनों में फाइट होती है, आखिरकार वो स्नेक वहाँ से दूर भाग जाता है। अब वो लोग एक जगह पर जाते हैं, तभी लकड़ियों में से एक जहर सा जानवर बाहर आ जाता है जिसके सींगों पर कुछ बर्ड बैठे हुए थे। वो आलू से पूछता है, हमारे साथ ये बच्चा कौन है, क्योंकि वो दोनों जानवर थे तो आपस में बातचीत कर सकते थे। आलू कहता है, मुझे नहीं पता इसका नाम। तो फिर वो कहता है कि चलो रख लो इसका कोई नाम। आलू से कहता है स्पॉट। वो जंगली बच्चा पीछे मुड़ के देखता है, यानी उसे अपना नाम शायद भी अच्छा लगा हो। आलू और स्पॉट में काफी दोस्ती हो चुकी थी, वो एक साथ चलने लगते हैं। आलू इनफैक्ट अपने घर जा रहा था, उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा। फिर वो लोग एक जगह से गुजरते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी घास होती है। आलू अपनी टेल उस घास को घुमाने लगता है, बहुत सारे जुड़ू उस घास में से निकलते हैं। ये देखकर पहले वो काफी खुश होते हैं, लेकिन फिर आलू को याद आता है कि उसके फादर भी ऐसा करके आलू को खुश किया करते थे। वो दोबारा से सैड हो जाता है। आलू उदास होकर नीचे बैठ जाता है। आलू पांच छोटी छोटी लकड़ियां मिट्टी में खड़ी करता है, फिर सबसे बड़ी लकड़ी को मिट्टी में दबा देता है। यानी आलू स्पॉट को अपनी फैमिली के बारे में बता रहा कि हम पांच लोग थे लेकिन मेरे फादर मर गए। जब स्पॉट का कोई रिएक्शन नहीं देखता वो उदास हो जाता है कि मैं किसको समझा रहा हूँ। लेकिन तभी स्पॉट भी उड़ता है और तीन लकड़ियाँ मिट्टी में खड़ी करता है। वो दो बड़ी लकड़ियों को मिट्टी में दबा देता है और जो छोटी लकड़ी होती है उसको देखकर उदास होने लगता है।
क्योंकि वो खुद ही था। उसकी बात का ये मतलब था कि उसके पेरेंट्स मारे गए और वो इस दुनिया में अकेला है और वो एक दूसरे को गले लगाकर उदास होकर बैठ जाते हैं और अगले दिन वो अपने अगले रास्ते के लिए निकलते हैं। लेकिन तभी तूफान आ जाता है, तेज बारिश होने लगती है और वैसा ही फ्लड आता है जिसमें उसके फादर मारे गए। वो काफी डर जाता है, वहाँ से भागने लगता है। वो एक दरख्त के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो तो नदी से काफी दूर है। उसे नदी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी, जिससे वो अपने घर का पता लगा पाता। वो काफी उदास हो गया था, आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे अजीबोगरीब से परिंदे नजर आते हैं। वो काफी चालाक परिंदे लग रहे थे। आलो उन लोगों से कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदी किस तरफ है, मुझे अपने घर जाना है। तो वो परिंदे कहते हैं, अरे भाई हमें क्या पता, हमारा इससे लेना देना ही नहीं। तूफान या फ्लड में जो जानवर या परिंदे मारे जाते हैं, हम दोनों खाने निकले हैं। वो अजीब और गरीब दिखने वाले परिंदे उनका आलो से ही सवाल पूछने लग जाते हैं कि तुमने क्या उस जंगली बच्चे को देखा है, तो हमें बता दो। आलो काफी डरा हुआ था क्योंकि उन परिंदों ने आलो के साथ ही एक लोमड़ी जैसे दिखने वाले जानवर को आ लिया था। आलो डर के बता देता है स्पॉट कहाँ पर है, लेकिन जब वो देखता है कि वो उसके पीछे लग गए हैं, तो आलो स्पॉट को अपनी कमर पे बिठा लेता है और भागने लगता है। तभी उन दोनों के सामने बड़े बड़े डायनासोर आ जाते हैं। वो आलो के पेरेंट्स से भी बड़े थे। आलो काफी डर जाता है, दूसरी तरफ भागने लगता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा डायनासोर आता है जो उन दो डायनासोर का फादर था। आलो को वापस बुलाता है, कहता है डरो नहीं, हम भी वेजिटेरियन हैं। आलो उनसे कहता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं नदी कहाँ पर है, मुझे अपने घर जाना है। तो वो कहता है, ठीक है मैं बता दूंगा, मेरे साथ एक इशू हो गया है, मेरी भैंसों को कोई चुरा कर ले गया है। तुम दोनों पहले मेरी भैंसें ढूंढने में मदद करवाओ। वो सारे लोग मिलकर भैंसें ढूंढने लग जाते हैं, जैसे उन्हें मिल जाती है। अब वो बड़ा सा डायनासोर कहता है, इसी जगह इसी घास में जहाँ मेरी भैंसें खड़ी है, यहाँ वैसे चुराने वाले भी हैं। वो आलू से कहता है कि क्या तुम्हें वहाँ पर एक पत्थर दिखाई दे रहा है, वहाँ जाकर चिल्लाओ ताकि जिन चोरों ने मेरी भैंसों को चुराया है वो बाहर आ जाए। आलू काफी डर रहा था, लेकिन उसे अपने घर का पता भी तो ढूंढना था ना, उसे वहाँ पर जाना पड़ता है। वो जैसे ही पत्थर पर खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, उसकी तो आवाज ही नहीं निकलती। उससे लगता नहीं कि वो एक डायनासोर और उसके पाँव पर जोर से काटता है। अब निकलती है आलू की असल आवाज। वो जोर से चिल्लाता है, उसकी आवाज सुनकर भैंसों को चुराने वाले बाहर निकल आते हैं, जो कि उन्हीं परिंदों जैसे लग रहे थे। वो पतले पतले से डायनासोर थे। जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, वहाँ वो बड़ा सा डायनासोर भी आ गया और उन पर अटैक करने लगता है। दोनों में काफी लड़ाई होती है। फाइनली वो पतले पतले क्रीपी से डायनासोर वहाँ से भाग जाते हैं। जाएं डायनासोर अपनी भैंसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आलू और स्पॉट भी उनके साथ होते हैं। फिर रात हो जाती है। आगे की बैठ कर वो सब आपस में बातें कर रहे होते हैं। बड़ा डायनासोर बताने लगता है, मुझ में सच में बहुत पावर है, और अपनी पावर की स्टोरी सुनाने लगता है कि मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। आलो कहता है, मेरे फादर भी आपकी तरह बहुत ताकतवर थे, और पता है उन्हें डर भी नहीं लगता था। वो जॉइंट डायनासोर कहता है, हाँ बेटा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, डर किसी को नहीं लगता है, डर सबको लगता है, ये नेचर में होता है, लेकिन असल बात ये होती है ये उसको ओवरकम कैसे करना है। हाँ अपने डर को साथ लेकर चलो, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दो। अब तुम सीख जाओगे कुछ चीजों को फेस कैसे करना है, तो खुद ब खुद स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। ज्यादा सोचो मत, सुबह होते ही हम तुम्हारे घर के लिए निकल पड़ेंगे। आलू काफी खुश हो जाता है और प्रॉमिस के मुताबिक सुबह होते ही वो सब लोग इवन के जॉइंट डायनासोर की बैल से भी आलू को छोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो लोग इतनी ऊपर पहुंच चुके थे, उनका सर बादलों में आ रहा था। सामने उनको पहाड़ दिख रहे थे, इन्हीं पहाड़ों के साथ साथ वो नदी थी, यानी आलू का घर अब बहुत करीब था। तो जॉइंट डायनासोर आलू और स्पॉट से कहते हैं, लो बच्चों मैंने तुम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया, हमें भी वापस जाना हो, तुम लोग सेफली अपने घर पहुँच जाना। आलू बहुत खुश होता है और जंप्स लगाते हुए उस तरफ चल पड़ता है। आलू और स्पॉट ऊंची ऊंची आवाजें निकालने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन हम देखते हैं कि सामने से कोई जंगली इंसान भी उन्हीं की तरह आवाजें निकाल रहा है। स्पॉट काफी गौर से उस इंसान को देखने लग जाता है। जैसे ही स्पॉट उसकी तरफ बढ़ने लगता है, आलो उसे पकड़ लेता है और अपनी कमर पर बिठाकर आगे निकल जाता है। वो उन्हीं पत्थरों में पहुंच जाता है। अभी वहाँ पर वो क्रीपी परिंदे दोबारा आ जाते हैं, वो स्पॉट को पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं। आलो बहुत कोशिश करता है उसे छुड़ाने की, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। आलो अब जंगली दरख्त में फंस चुका था बहुत बुरी तरह से। आलू काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी उसके साथ
के फादर आते हैं। आर्लू जल्दी से उन दरख्तों के क्रैक जगह को फ्री करवाता है। वो अपने फादर के पीछे पीछे चलने लगता है और उन्हें देखकर कहता है, पापा आप वापस आ गए, आप यहीं पर थे। लेकिन आर्लू नोट कर रहा है कि गीली मिट्टी पर उसके पांव के निशान तो पड़ रहे थे लेकिन उसके फादर के नहीं, यानी ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। लेकिन उसके फादर इसी इमेजिनेशन में उसे ये कह गए थे तुम्हें स्पॉट को ढूंढना होगा। आर्लू खुद भी स्पॉट को ढूंढना चाहता था क्योंकि वो उसे मिस भी कर रहा था। आर्लू आगे बढ़ने लगता है और चिल्लाने लगता है। तभी वो देखता है कि वो क्रीपी परिंदे एक लकड़ी में स्पॉट को रख कर खाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन स्पॉट उस लकड़ी में छुपा हुआ होता है। आर्लू का पहली बार कोई दोस्त बना था, ऐसी हालत में देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर हम पहली बार आर्लू को मैच्योर और गुस्से में देखते हैं। आर्लू जोर से चिल्लाता है लेकिन तभी फ्लड आने लगता है बहुत ज्यादा। उसके साथ हर चीज बहकर आ रही थी। आर्लू कोई परवाह नहीं करता और नदी में कूद जाता है। उसने स्पॉट को बचा लिया था, वो जैसे तैसे करके स्पॉट को नदी से बाहर लेकर आता लेकिन उसकी बॉडी खुद भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, यानी उसको खुद भी काफी चोटें आई थी। वो लोग वहाँ से आगे निकल पड़ते हैं। स्पॉट आर्लू के ऊपर बैठा होता लेकिन तभी उसे वो जंगली इंसान दोबारा दिखाई देता है। अब की बार आर्लू उसे अलाउ कर देता है कि तुम उसके पास जा सकते हो। स्पॉट फौरन से उसकी टेल से नीचे उतरकर उस जंगली इंसान के पास भाग कर जाता है। वो देखता है कि ये तो मेरे फादर है। उसकी मदर और उसके बहन भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं। स्पॉट के फादर उसे प्यार करते हैं, अपनी गोद में बिठा लेते हैं। जब आर्लू ये सब देखता है उसे भी अपनी फैमिली बहुत याद आने लगती है। वो काफी उदास हो जाता है और फौरन से उसके पास आता है, उसके ऊपर बैठ जाता है। यानी वो अभी भी आर्लू के साथ किस फैमिली ढूंढना चाहता था और वहाँ जाना चाहता था। लेकिन आर्लू उसे अपने मुंह से पीछे करते हुए कहता है कि तुम अपनी फैमिली के पास जाओ, हमारी जगह यहाँ, तुम भी प्यार और केयर डिजर्व करते हो। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को सैंडी गुड बाय कहते हैं ना चाहते हुए भी। अब आर्लू अपनी फैमिली की तरफ निकल जाता है। आर्लू चलता रहता है, फाइनली उसे अपना घर सामने दिखाई देता है। वो काफी रोने लगता है। सामने से उसकी मदर और उसके भाई और बहन भी आते हैं। वो दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं लेकिन वो सब अपनी फैमिली के लीडर यानी आर्लू के फादर को भी मिस कर रही है। आर्लू की माँ कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया और वो दिन आ गया है जब तुम अपने बाप का ख्वाब पूरा करने वाले हो। उन्होंने यही कहा था जिस दिन तुम बड़ा काम करोगे उस दिन तुम अपना फुटप्रिंट लगा सकोगे। चलो लगा लो आज अपना फुटप्रिंट। आर्लू खुश हो जाता है कि उसने अपने बाप का ख्वाब पूरा कर दिया जैसे उसके फादर चाहते थे। वो आज वैसा बन गया, चाहे वो उनके पास नहीं लेकिन वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा और अपने पापा को हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ वो अपने फादर के फुटप्रिंट के साथ अपना फुटप्रिंट लगाता है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाता है।